हेलो चिल्ड्रन, अब हम टेंथ चार्ट सेवेंथ पढ़ने जा रहे हैं। हमने सिक्स चार्ट्स पढ़ लिए हैं, उसमें हमने सभी कुछ जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, और हमने उसके बाद हमने देखा कि काइंड्स ऑफ एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में कैसे वाक्य बनते हैं। तो हमने उसको इंडेफिनेट टेंस में देख लिया है और कंटिन्यूअस में देख लिया है। अब हम देखेंगे परफेक्ट टेंस में कैसे वाक्य बनते हैं। अगर परफेक्ट टेंस है और हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा और ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अगर वाक्य में हम इसको हमने फिर से वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड किया है तो हम पहले प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में हम बात करेंगे, वह मंदिर गई है, वह मंदिर गई है, इसमें क्या होता है, इस टेंस में, परफेक्ट टेंस में ये होता है कि इसमें वर्तमान काल में काम का पूरा होना पाया जाता है, मतलब काम पूरा हो गया है वर्तमान समय में, तो वह मंदिर गई है ना। तो गई है तो ऐसे में हमको शी है, जैसे ही, शी, इट, और सिंगुलर पर्सन जो भी है उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, तो शी हैज। और यहाँ पर मेन बात यह है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। यहाँ हमने लिखा है, देखो, ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वो हम पहले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि जब हमने परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में कैसे वाक्य बनते हैं, पास्ट में कैसे बनते हैं, फ्यूचर में कैसे बनते हैं, हमने पूरा देखा था परफेक्ट टेंस को। तो अभी हम इसको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रिविजन के लिए देख रहे हैं। और अगर मैं मंदिर गया हूं, मैं मंदिर गया हूं अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू द टेम्पल, ठीक हो गया, आई हैव गॉन टू द टेम्पल। तो यहां पर आई के साथ हैव लग रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। इससे पहले हमने देखा है कि कैसे थ्री जो टेंस होते हैं वो हमने यहाँ पर देखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना गो वेंट गॉन, ये हम दोबारा देख रहे हैं, डू डिड डन, ईट, एट, ईटन, तो ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम पार्ट परफेक्ट टेंस में हम इस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। अगर राइट का है तो उसका थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, अगर टेक है तो उसका फॉर्म टेकन हो जाएगा, ठीक है, अगर कॉल है तो उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, कम है तो उसका कम, केम, कम हो जाएगा, फिर से थर्ड फॉर्म भी कम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी कम है, सेकंड फॉर्म ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम जो देख रहे हैं वो है परफेक्ट टेंस, इससे हमने इसको थोड़ा सा देखा। तो अब हमने इसी को, अब यहाँ पर शी हैज गॉन टू द टेम्पल, वह मंदिर गई है, अगर ये हम कह रहे हैं वह मंदिर जा चुकी थी, अगर थी वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब कि पास्ट में बात हो रही है, तो हैज की जगह हैड लग जाएगा, बाकी वही लगेगा, हैड गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हैड लग जाएगा, शी हैड गॉन टू द टेम्पल डेली, टू द टेम्पल। और आई हैड गॉन तो आई के साथ भी हैड लग रहा है, जैसे यहाँ आई के साथ हैव लगा था, लेकिन पास्ट टेंस अगर है तो चाहे आई हो, शी हो, सिंगुलर पर्सन, प्लूरल पर्सन, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो यहाँ पर भी लगी है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये हो गया है, यहाँ पर था है इसलिए हमने यहाँ हेड का इस्तेमाल किया है। वह मंदिर जा चुका था, अगर जा चुका था, काम वर्तमान समय में पूरा हो गया है, तो हम वहां पर हेड का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर वह मंदिर जा चुकी होगी, अगर होगी वर्ड आता है, जा चुकी होगी, तो उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे और हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी वही लगेगी, तो यहाँ पर विल हैव जो आ जाता है फ्यूचर टेंस में, किसमें, परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, सिंपल टेंस अगर बना रहे हैं तो, शी विल हैव गॉन टू द टेम्पल, विल लगता है शी के साथ, और आई के साथ शैल, और आई वी के साथ शैल लगता है, वो हम पहले भी वीडियोज में देख लिया है। तो आई शैल हैव गॉन टू द टेम्पल, तो यहाँ पर शैल हैव, यहाँ पर विल इसके साथ भी हैव लगा है, इसके साथ ये हैव इसमें इस्तेमाल होगा, और गॉन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यूज होगी, और विल और शैल का यूज होगा। तो मैं मंदिर जा चुका हूंगा, आई शैल हैव गॉन टू द टेम्पल। अगर यही नेगेटिव में आता है तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, कहां पर, शी हैज नॉट गॉन टू द टेम्पल, वह मंदिर नहीं गई है, तो नॉट कहां पर लग रहा है, जो शी है फिर हैज का उपयोग कर रहे हैं, फिर नॉट, फिर गॉन, गॉन जो
मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा रहे हैं। जो पहले भी हमने जो उसमें देखा था, इंडेफिनेट में देखा था, कंटिन्यूस में देखा, वही नियम यहां पर भी चलेगा। आई हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल, मैं मंदिर नहीं गया, है ना। तो अब दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, है ना। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें अगर ये आता है इंट्रोगेटिव अगर आ जाता है तो ये हैज से शुरू हो जाएगा, हैज से वाक्य को शुरू करेंगे। हैज शी गॉन टू द टेम्पल, क्या वह मंदिर गई है, क्या है, इसलिए हैज से शुरू करेंगे। हैज शी गॉन टू द टेम्पल, हैव यू लर्न योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि तुमने के साथ हैव लगता है, शी के साथ हैज लगता है, इसलिए हम हैव से शुरू करेंगे। वहां हमने इज एम आर से शुरू किया था, देखा था वॉज वर से, है ना, पास्ट में वॉज से किया था, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम हैव से शुरू करेंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। और जब कब आ जाता है वाक्य में, वह दिल्ली कब गया है, तो यहाँ पर हम वैन का इस्तेमाल करेंगे, वैन हैज शी गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली कब गया है। और अपनी पुस्तक कौन नहीं लाया है, कौन के लिए पहले लाएंगे, हु हैज नॉट ब्रॉट, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही लग रही है वर्ब की, और हैज का इस्तेमाल, जिनके साथ हैज का इस्तेमाल होता है वहां पर हैज का इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट टेंस में। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट टेंस में, ठीक है। लाया है, क्या मैंने चोर नहीं पकड़ाया, अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, नॉट लगा है। तो क्या मैंने चोर नहीं पकड़ा है, तो यहाँ पर क्या मैं परफेक्ट टेंस का वाक्य हो है, तो हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, कॉट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जो सब्जेक्ट है उसके और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लगा रहे हैं, ठीक है, और हैव से शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर क्यों आ गया है, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, तो क्योंकि इंग्लिश पहले आ जाएगी, वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, रीड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और रीड की तीनों फॉर्म में रीड रेड रेड स्पेलिंग वही होती है, लेकिन जो जो उसका प्रोनंसिएशन है वो अलग हो जाता है। वाई हैव यू नॉट रेड दिस बुक, तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, ठीक हो गया। अभी यही हम पास्ट टेंस में देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देख लिया था गॉन, हैड गॉन लिख लिया था। अब नॉट में अगर हम नॉट इंट्रोगेटिव बना रहे हैं पास्ट में, परफेक्ट में, तो हैड नॉट गॉन, वह मंदिर नहीं गई, शी हैड नॉट गॉन टू द टेम्पल, हैड नॉट गॉन, ठीक है, हैड लगेगा फिर नॉट फिर गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैं मंदिर नहीं गया तो आई हैड नॉट गॉन, तो आई के साथ भी हैड ही लगेगा, शी के साथ भी हैड ही लगेगा, सभी के साथ हैड का इस्तेमाल होगा अगर पास्ट टेंस है, ठीक है। और नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट लग रहा है। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, तो मैंने नहीं देखा था तो इसलिए हमने नॉट सीन लगा दिया, सीन सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही लगेगी वर्ब की परफेक्ट टेंस में, ये ध्यान देना है। वर्ब ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि परफेक्ट टेंस में कौन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो तुमने यही कहना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। तो अब अगला वाक्य क्या ले रही है इसमें, क्या वह मंदिर जा चुकी थी, हैड शी गॉन टू द टेम्पल, हैड शी गॉन टू द टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जा चुकी थी है, इसलिए हम हैड से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू द टेम्पल। अब है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, अब दो काम हो रहे हैं इसमें, दो काम हो रहे हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमने पहले वाले नियम में देखा था, लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो किससे शुरू करेंगे, हैड से शुरू करेंगे, अगर वाक्य में क्या है, तो अगर वाक्य में क्या है और कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द नहीं है, तो हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अब क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, ठीक है, तो वे चाय पी चुके थे, काम पहले से चल रहा है, और क्या सूरज निकलने से पहले, तो हैड दे टेकन देयर टी, क्या वे हैड दे टेकन, तो ये इसका इसमें हम वही नियम लगा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम लगा रहे हैं, और यहाँ हम लगेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, परफेक्ट पास्ट टेंस का हम यहाँ पर नियम लगा रहे हैं, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का लगाएंगे जो दूसरा वाक्य है। तो यहाँ पर टेकन तो टेकन थर्ड फॉर्म लग रही है, और राइजन होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं, ये हमने पहले नियम। इसमें दो दो काम हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कि क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले और घंटा बज चुका था। तो जो काम पहले से हो रहा है, घंटा बज चुका था, तो घंटा पहले बज गया है, बज चुका था, तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसमें वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसलिए ये बन गया, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। फिर उसके बाद है, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। इसमें भी दो काम हो रहे हैं, तो जो पहला काम है वो चाय पी चुके थे, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम लगेगा, और उसमें नियम क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैड तो होता ही है और उसमें वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम उसको क्या से शुरू हो रहा है, तो जब भी क्या है तो उसका हम हैड से यूज करेंगे, क्योंकि चुके थे है पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो हैड दे टेकन देयर टी बिफोर, पहले के लिए बिफोर द सन रोज, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नियम बन रहा है, राइज रोज राइजन, तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो रोज होती है, किसकी है ये, सूरज निकलना, सन रोज, ठीक है। अब जो अगला वाक्य है, क्या मैंने चोर नहीं पकड़ा था। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, तो नॉट लगा है इसमें। तो क्या मैंने चोर नहीं पकड़ा था, है ना, तो इसमें ये हमें पता है कि यह किसका टेंस है, ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हम इसमें हैड से शुरू करेंगे, क्या है तो हैड से, हैड आई मैंने नॉट कॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ए थीफ, क्या मैंने चोर नहीं पकड़ा था, हैड आई नॉट कॉट ए थीफ। और हमारे आने से पहले ये लड़कियां कौन सा गाना गा चुकी थी, दो वाक्य दो काम हो रहे हैं इसमें भी, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। तो पहले काम क्या हुआ है कि गाना गा चुकी थी, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, विच सॉन्ग हैड दीज गर्ल्स संग, ठीक है, संग, फिर हमारे आने से पहले बिफोर वी केम, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, ठीक है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है केम, बिफोर वी केम, तो ये तुम्हें ध्यान देना होगा। ये किस में आ रही है ये बात हमारी, ये आ रही है हमारी पास्ट टेंस में, और टेंस हमारा कौन सा चल रहा है, परफेक्ट टेंस। अब अगर यही नेगेटिव में हो जाता है, विच सॉन्ग हैड दीज गर्ल्स नॉट संग बिफोर वी केम, तो नॉट आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे आने से पहले ये लड़कियां कौन सा गाना नहीं गा चुकी थी, नॉट है तो नहीं गा चुकी थी, हो गया। अब हम इसको फ्यूचर टेंस में देखेंगे, फ्यूचर टेंस में हमने ये देख लिया है कि विल और हैव टू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम उसमें, जैसे यहाँ पर आया है शी विल हैव गॉन टू द टेम्पल, तो यहाँ पर आएगा शी विल नॉट हैव गॉन टू द टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा चुकी होगी, तो विल के बाद नॉट लग जाएगा और फिर हैव का यूज करेंगे, फिर गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर जैसे हमने एफिर्मेटिव सेंटेंस में लगाया था वैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं दूसरा, उसके सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, इसमें भी दो काम हो रहे हैं, तो द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, ठीक है, तो जो उसके सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा ये पहले काम है, तो इसमें तो हम फ्यूचर
परफेक्ट टेंस का ही नियम लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, नियम क्या होता है, विल लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जो दूसरा है सोने से पहले, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, बिफोर ही स्लीप्स, यहाँ पर स्लीप्स लग रहा है, स्लीप में एस लगा दिया है, स्लीप, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है जब हम बनाएंगे फ्यूचर टेंस में वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। तो द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। अब इंट्रोगेटिव है, क्या वह मंदिर जा चुकी होगी, क्या वह मंदिर जा चुकी होगी, तो उसके लिए क्या होगा, विल शी हैव गॉन टू द टेम्पल। तो गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैव लग रहा है, शी के साथ हैव लगेगा, तो विल शी हैव नॉट हैव गॉन टू द टेम्पल, क्या वह मंदिर जा चुकी होगी। अब अगला वाक्य आ रहा है, वर्षा होने से पहले वे कहाँ जा चुके होंगे, कहाँ, अब कहाँ वाक्य आ गया, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी लाएंगे, वेयर, वेयर के बाद हम विल लाएंगे, क्योंकि होगी है फ्यूचर टेंस है तो विल तो आना ही है, और वे के लिए है तो दे हो गया, दे के साथ हम हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन बिफोर इट रेन्स, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, जो काम बाद में हुआ है उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम लगाएंगे, और वहां पर तो हम यहाँ पर रेन्स लिख रहे हैं, ये तुमको ध्यान देना होगा, रूल देखना, ध्यान देना होगा। अगला है, अगला वाक्य क्या है, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन सजा दे चुकेगा। अध्यापक के आने से पहले दो वाक्य काम हो रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सजा दे चुका होगा, कौन सजा दे चुका होगा, ये काम पहले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन के लिए हु आ जाएगा, हु विल हैव पनिश्ड, पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड होती है, योर सन बिफोर द टीचर कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कम का मैं एस लगा दिया, कम्स, बिफोर टीचर कम्स, अध्यापक के आने से पहले तुम्हारे पुत्र को कौन सजा दे चुका होगा, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स, आने से पहले, आने से पहले के लिए क्या हो जाएगा, कम्स, और अध्यापक के आने से पहले टीचर्स कम, तो ये हो गया। अब अगला वाक्य अगर हम देखते हैं, तो इन नेगेटिव अगर हम देखते हैं, क्या उसके आने से पहले सूरज नहीं निकल आएगा, नेगेटिव हो गया, तो अब इसमें भी दो काम हो रहे हैं, तो जो पहले है तो सूरज निकल आएगा, तो विल द सन, विल द क्या है, तो विल से शुरू करेंगे, विल द सन नॉट हैव राइजन, ये राइज, रोज, राइजन, राइजन थर्ड फॉर्म होती है राइज की, उगना, जो यहाँ पर लिखा है सूरज नहीं निकल आएगा, निकल आएगा के लिए राइजन बोला जाता है, सूरज के लिए, ठीक है, रोज सूरज नहीं निकल आएगा, सन नॉट हैव राइजन बिफोर ही गेट्स अप, उसके आने से पहले, तो यहाँ पर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो रहा है, ही गेट्स अप। फिर अगला वाक्य है, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुकेंगे, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुकेंगे, तो पहले काम हो रहा है टिकट खरीदने का, तो उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही नियम लगाना है, उसमें हम वी है तो शैल से यूज वाक्य शुरू करेंगे, क्या है, लेकिन वी यहाँ पर है तो वी किसके लिए हम शैल लगाते हैं, तो शैल से यूज करेंगे, शैल वी नॉट हैव, नॉट कहाँ पर लग रहा है, ये ध्यान देना है, वी के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में, तो नॉट हैव, फिर आएगी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अराइव का एस लगा दिया है, अराइव्स, आने से पहले के लिए अराइव्स हो गया, शैल वी नॉट हैव बॉट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स, इस तरह की से ये तुम्हारा जो टेंस चार्ट सेवेंथ, और उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने देखे परफेक्ट टेंस में। अगले वीडियो में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे।